नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरभंगा हवाई अड्डे पर जो काम रुका हुआ था उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डे पर लॉकडाउन के कारण रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया है। तो टर्मिनल बिल्डिंग के काम में कर्मी अभी भी जुटे हुए हैं, यह जानकारी गुरुवार को निर्माण कार्य से जुड़े एक कर्मी ने दी है। मालूम हो आपको कि लॉकडाउन के कारण हवाई अड्डे पर चल रहा विकासात्मक कार्य स्थगित हो गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। दरअसल मिथिला के युवाओं की ओर से हाल ही में ट्विटर पर चलाए गए अभियान के बाद नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को भारतीय वायुसेना से ट्विटर के माध्यम से दरभंगा हवाई अड्डे पर फिर से काम शुरू किए जाने की अनुमति मांगी थी। रक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके कहा था कि इंडियन एयरफोर्स से एयरपोर्ट को काम को शुरू करने का आग्रह किया गया है। एक बार हम काम शुरू करेंगे तो अक्टूबर 2020 तक तमाम काम पूरा हो जाना चाहिए। पुरी ने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट पर काम लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से रोकने की वजह से उसके बाद उसमें पहल तेजी से चल रहा है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंतरिम सिविल एनक्लेव का निर्माण कर रहा है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स से जमीन पट्टे पर ली गई है। इसमें एक टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है जहां 150 यात्रियों की क्षमता होगी, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। आपको बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यापति टर्मिनल कर दिया गया था। नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से एक आशा की किरण जगी है, जिससे अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द विद्यापति टर्मिनल से हमें हवाई उड़ान देखने को मिले।